नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का यथार्थवादी उपागम। यथार्थवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आदर्शवादी उपागम के प्रतिक्रिया स्वरूप या उसके विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया। आदर्शवादी उपागम जैसा कि नैतिकता को, आदर्शों को और मूल्यों को अधिक महत्व देता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रों से यह अपेक्षा करता है कि वह अपनी विदेश नीति में नैतिक सिद्धांतों का और मूल्यों का पालन करें, शांति और सहअस्तित्व के सिद्धांतों का पालन करें। लेकिन आदर्शवादी सिद्धांत जैसा कि इसकी वास्तविकता यही है कि इसको व्यवहारिक रूप से अपनाना संभव नहीं है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि हम राष्ट्रों से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को ताक पर रखकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों में नैतिक सिद्धांतों का पालन करें। कोई भी देश इस तरह से अपने राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालकर नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार नहीं करता है या नहीं कर सकता है, और इसी मान्यता को प्रचलित या सुदृढ़ करने के लिए ही यथार्थवादी दृष्टिकोण या यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन विद्वानों ने किया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वास्तविक और व्यवहारिक तत्वों का अध्ययन किया जा सके, जिससे कि विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को निर्धारित करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। तो हम देखें तो 18वीं-19वीं शताब्दी में भी उस समय यथार्थवाद की कुछ चर्चा विद्वानों ने की थी, और उस समय राजनीतिक विज्ञान में हम देखें बच्चों तो मैकियावेली का समस्त राजनीतिक चिंतन यथार्थवादी विचारधारा पर आधारित है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अगर क्षेत्र में अगर हम इसका अध्ययन करें तो इसका पुनरुत्थान हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दिखाई देता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आदर्शवाद का बोलबाला था, और उसी आदर्शवाद में राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई वो आदर्शवाद का प्रतीक था। लेकिन राष्ट्र संघ की असफलता ने आदर्शवाद की कमियों को और उसकी दुर्बलताओं को उजागर किया, और उसके बाद हम देखें तो उसी कमियों के परिणाम स्वरूप हिटलर और मुसोलिनी का उदय होना, हिटलर मुसोलिनी की आक्रामक और विस्तारवादी नीतियाँ, उन तानाशाहों के द्वारा शक्ति और युद्ध की आवश्यकता पर जोर देना आदि ऐसे तथ्य हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वानों को मानव स्वभाव और विश्व राजनीति की यथार्थता को या वास्तविक परिस्थितियों को समझने के लिए मजबूर कर दिया। यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है या सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के या फिर राजनीति विज्ञान के संबंध के अध्ययन का, उसका एक ही मुख्य आधार है जो कि मैकियावेली का कथन है कि मनुष्य शस्त्र धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में से प्रथम दो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य एवं शस्त्र धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं परंतु रोटी तथा धन मनुष्य और शस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यथार्थवादी दृष्टिकोण का जो मुख्य जो आधार है, जो चिंतन का आधार है, वह शक्ति, शस्त्र और युद्ध, ये तीनों जो वास्तविकताएं हैं उसे वह मानव स्वभाव की विशेषताएं मानता है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध इन्हीं मानव स्वभाव से संचालित होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि यथार्थवाद जो है वह विचारों का वह समूह है जो सुरक्षा और शक्ति के विभिन्न तत्वों को अपनी अध्ययन सामग्री का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं, और इन यथार्थवादी विचारों का जो जन्म है वो व्यक्ति से इसी विश्वास से होता है कि दूसरे लोग सदा उसे नष्ट करने के लिए होते हैं, और अपनी शक्ति को लोग इसीलिए बढ़ाते हैं ताकि वो दूसरे को दबा सके। इसलिए वो अपनी सुरक्षा की खातिर दूसरों को
इसमें यह भावना निहित होती है कि अपनी सुरक्षा के खातिर दूसरों को नष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसमें एक ही तत्व काम करता है, वह है शक्ति का तत्व। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण के जो एक विचारधारा में जो मूल मान्यता यही निहित है कि राष्ट्रों के बीच विरोध और संघर्ष किसी न किसी रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं, और यथार्थवादी जो सिद्धांत हैं वह इस विरोध और इस संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक शाश्वत नियम के रूप में देखते हैं, न कि एक आकस्मिक घटना के रूप में। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि यथार्थवादी जो चिंतन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का, उसके अनुसार वाद जो है वो तथ्यों के उचित मूल्यांकन के उपरांत उनमें तर्कसंगत अर्थों की खोज करने की प्रक्रिया है, और किसी भी राज्य की परराष्ट्र नीति का जो अभ्यास है उस राज्य की राजनीतिक गतिविधियों, कार्यकलापों और घटनाक्रम के विश्लेषण से संबंधित होता है। लेकिन केवल तथ्यों का विश्लेषण पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि यथार्थवाद के अनुसार राष्ट्र की शक्ति का विकास उसके हितों का एकमात्र माध्यम होता है। इसलिए प्रत्येक राज्य की सत्ता और शक्ति के तत्वों का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण इसी बात पर बल देता है कि विदेश नीति संबंधी जो निर्णय है वह राष्ट्रों के द्वारा राष्ट्रहित के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांत या भावनात्मक मान्यताओं या मूल्यों के आधार पर, जैसा कि आदर्शवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण मानता है। तो यथार्थवादी जो सिद्धांत निर्माता है वह शक्ति राजनीति को ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का मूलभूत नियम मानते हैं। यथार्थवादी विचारकों के अनुसार शक्ति ही एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण कर सकते हैं। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है उसके विकास में कई विद्वानों ने योगदान दिया है, जिनमें जॉर्ज कैनन, रायनाल्ड नेबूर, जॉर्ज वर्जनबर्गर, डॉक्टर हेनरी किसिंजर, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण विद्वान है हंस जे मॉर्गेंथो। आज अगर हम देखें तो हंस जे मॉर्गेंथो को यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रमुख प्रवक्ता या विद्वान माना जाता है। मॉर्गेंथो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुख्य जो कुंजी है या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो मुख्य आधार है वह राष्ट्रीय हित है, जिसे केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय हित प्रत्येक राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य होता है, जिसको वह शक्ति के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो मॉर्गेंथो ने जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है उसको और अच्छे से समझाते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रत्येक संबंध की भांति शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, उसका तत्कालिक लक्ष्य शक्ति प्राप्त करना रहा है। तो इस प्रकार बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है वह हमने पढ़ा है। तो हम इसका देखते हैं कि यथार्थवाद में चूंकि शक्ति तत्व को अत्यधिक महत्व दिया गया है, इसको हम थोड़ा सा मॉर्गेंथो के विचारों में भी हम थोड़ा सा इसको अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है मॉर्गेंथो के यथार्थवादी उपागम का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो हम इसको मॉर्गेंथो को हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे कि मॉर्गेंथो ने किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए यथार्थवादी उपागम का प्रतिपादन किया। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को समझने के लिए राष्ट्रों के बीच कैसे संबंध है, किस तरह के हैं, किस आधार पर उनके संबंध निर्धारित होते हैं, इन सब का अध्ययन जो है वह हम यथार्थवादी दृष्टिकोण के आधार पर हम कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में जो यथार्थवादी जो सिद्धांत है उसको हम थोड़ा सा और उसका विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार उसका हुआ, क्योंकि ईएच कार और हंस जे मॉर्गेंथो तो 20वीं शताब्दी के सबसे प्रमुख यथार्थवादी चिंतक है। तो इसको हम देखते हैं कि जो मॉर्गेंथो है वो नवशास्त्रीय यथार्थवादी है,
और उन्होंने किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में यथार्थवादी दृष्टिकोण का व्यापक रूप से प्रतिपादन किया। और ई एच कार भी एक महत्वपूर्ण विद्वान है जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में वैज्ञानिक रूप से यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। ई एच कार जैसे विद्वान ने भी तो इन विद्वानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है एक काल्पनिक अध्ययन नहीं है, या फिर हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अध्ययन है वह यथार्थवाद के आधार पे, यानी कि क्या होना चाहिए के आधार पर नहीं करके जैसा कि आदर्शवाद ने माना है, बल्कि क्या है के आधार पर, यथार्थवाद का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए के आधार पर नहीं अध्ययन करता, बल्कि क्या है, क्या है मतलब व्यवहारिक स्थितियाँ क्या है, वर्तमान विश्व में क्या घटनाएं घटित हुई या दो राष्ट्रों के आपसी संबंध कैसे प्रभावित हो रहे हैं, तो यह उसका अध्ययन करता है यथार्थवादी सिद्धांत। तो यथार्थवाद जो है वो आदर्शों में नहीं जाकर वास्तविक तथ्यों का, शक्ति जैसे तत्व का अध्ययन करता है। और इस प्रकार हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में यथार्थवादी जो चिंतन है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वास्तविक रूप से अध्ययन और चिंतन करता है। लेकिन थोड़ा सा हम इसको संक्षिप्त में लेते हैं कि यथार्थवाद की विद्वानों ने आलोचना भी करी है, ये आलोचना बताई है कि यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सैद्धांतिक और वैज्ञानिक अध्ययन किया। लेकिन यथार्थवादी विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को काल्पनिक और आदर्शवादी अध्ययन से भी मुक्ति दिलाई और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को स्पष्ट करने और विदेश नीति को एक सशक्त आधार प्रदान करने में भी सिद्धांत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। या फिर हम यह कहें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के एक सामान्य सिद्धांत के निर्माण में सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने यथार्थवादी उपागम की आलोचना की है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि यथार्थवादी उपागम शक्ति और सत्ता को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एकमात्र निर्णायक तत्व मानते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि सत्ता और शक्ति तत्व महत्वपूर्ण हो सकते हैं लेकिन एकमात्र या संपूर्ण तत्व नहीं हो सकते। दूसरा, यथार्थवादी विचारधारा में कई प्रकार के विरोधाभास है, विसंगतियाँ हैं, क्योंकि शक्ति और सत्ता तत्व ऐसे हैं जिसको हम परिभाषित करना हमारे लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि एक राज्य की शक्ति कितनी है, क्या उसकी शक्ति के आधारभूत तत्व हैं, इन सब का निर्धारण करना एक कठिन कार्य है। तो उस आधार पे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उस तत्व के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों का आपसी व्यवहार का अध्ययन करने में भी कठिनाई होती है। यथार्थवादी सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रतिद्वंद्विता और प्रतिस्पर्धा को महत्व देता है, न कि सहयोग की प्रवृत्तियों को, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व में युद्ध को बढ़ावा मिलता है। तीसरा, कि यथार्थवाद ने शक्ति संघर्ष को विश्व राजनीति का या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक स्थायी तत्व माना है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में अन्य उद्देश्यों और अन्य तत्वों की उपेक्षा की है, जो कि गलत है। या हम यह कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन का एक अधूरा उपागम या दृष्टिकोण है। चौथा, कि यथार्थवादियों का जो मुख्य उद्देश्य है वह राष्ट्रीय शक्ति का प्रचार प्रसार करना है, इसीलिए यथार्थवाद को विश्व शांति विरोधी समझा जाता है या युद्ध को बढ़ावा देने वाला उपागम समझा जाता है। तो इस आधार पर हम देखें तो यथार्थवाद ने शक्ति तत्वों पर अत्यधिक बल दिया और विश्व में शांति और शांति जैसे तत्वों की और नैतिकता और नैतिक मूल्यों की जो उपेक्षा की है, उस आधार पर यथार्थवाद की आलोचना हुई है। धन्यवाद।